राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका निशा जी के किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं डोरेमोन का फेवरेट डोरा केक। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है, इसे छान लेंगे अच्छे से। अब आधी कटोरी लिया है मैंने चीनी और उसमें दो इलायची डाली है फ्लेवर के लिए। इसे पीस कर हमें पाउडर बनाना है और इसे भी छान लेंगे। इसे भी छान लेते हैं अच्छे से। तो अब मिलाएंगे इसमें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के करीब। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, अब मैं मिला रही हूँ इसमें मावा, जो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है। इसे मैंने गाढ़ा करके, दूध को गाढ़ा करके फ्रिज में स्टोर करके रखा था। तो इसके मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे मिल्क पाउडर नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कि इसी को डाल देती हूँ। देखते हैं कैसा बनता है। अब मिलाएंगे दूध और दूध के साथ इसका घोल तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसका एक गाढ़ा सा घोल हमें तैयार करना है। अच्छे से विस्कर की मदद से स्मूथ सा घोल इसका तैयार कर लेंगे। तो देखिए, घोल हमारा तैयार हो चुका है। देखिए, ऐसा ही घोल चाहिए हमें। तो देखिए, इतना सा दूध बचा है 1 गिलास में से। तो चलिए, तवे को गर्म कर लेते हैं। कुछ बूंदे ऑयल की डालेंगे और टिश्यू पेपर की मदद से इन्हें अच्छे से फैला देंगे। अच्छे से तवे को हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है, हल्का हल्का सा। तो चलिए, एक कड़छी भरकर बैटर डाल देंगे तवे पे। एक ही जगह पे हमें डालते जाना है दोस्तों, ये अपने आप ही फैल जाएगा, पैनकेक की तरह ये आकार ले लेगा। तो एक ही कड़छी डालना हमें, ताकि हमारे सारे डोरा केक जो हैं एक समान बने। तो देखिए, डाल दिया हमने। अब इसे कवर करके रख देंगे 1 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो देखिए, पलट देंगे, अच्छा कलर आ गया है। तो दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे अच्छे से, दूसरा डालेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों ये डोरा केक। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बच्चों को छोड़िए बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इसी तरह से आप सारे डोरा केक जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों मैं भी पहली बार बना रही हूँ। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कैसे बने हैं, कैसी लग रही है मेरी रेसिपी आपको। प्लीज़ ज़रूर करना कमेंट। तो देखिए, सारे डोरा केक जो हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब इस पे स्प्रेड करने के लिए हम एक चॉकलेट सॉस कह लीजिए तैयार करेंगे। तो एक पैकेट मैंने ओरियो बिस्किट का ले लिया है, मिक्सर जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये जो थोड़ा सा गाढ़ा दूध हमारा, मावा कह लीजिए, रबड़ी कह लीजिए, ये जो बचा था, इसमें मिला देंगे ये सारा पाउडर बिस्किट वाला। और थोड़ी सी मिलाएंगे शुगर पाउडर, पिसी हुई चीनी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। तो देखिए, बहुत ही आसानी से हमारी चॉकलेट सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप डोरा केक में कुछ भी लगा सकते हैं, बच्चों का फेवरेट जैम लगा सकते हैं, चॉकलेट सिरप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं दोस्तों, जो बच्चों को पसंद आए। तो देखिए, सभी डोरा केक पर इस तरह से लगाकर सभी डोरा केक को ऐसे एक के ऊपर एक रख देंगे, सभी को इसी तरह से तैयार कर लेंगे।
तो देखिए कट कर लेते हैं अब। ये देखिए ये देखिए फ्लफ़ी बने हैं, काफ़ी अच्छे बने हैं हमारे डोरा केक। तो दोस्तों पहली बार बनाए हैं, ज़रूर बताना मुझे कैसे बने हैं। तो दोस्तों रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। देखिए इसी तरह से बनाकर आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं ये डोरा केक बहुत ही टेस्टी से। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।